हुजूर अलैहिस्सलाम ने मजमा से आबा पे नजर डालनी, फरमाया कि बताओ भाई वो कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है। वो ऐसा दरख्त था जिसके पत्ते नहीं झड़ते। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाते मुझे जवाब आता था कि वो खजूर का दरख्त है। कहते पीछे हटे आप, मैं बताता हूँ आपको इसका जवाब। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते मुझे पता था कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मेरे वालिद बैठे थे, अबू बकर सिद्दीक बैठे थे, मौला अली बैठे थे, सहाबा बैठे थे। आप फरमाते हर एक मुझसे बड़ा था तो मुझे मेरे अदब ने इजाजत नहीं दी कि मैं जवाब दूं। अल्लाह करे मेरी इस बात आपकी समझ में आए। सवाल का जवाब मुझे आता था लेकिन अदब का तकाजा था कि मैं बड़ों की मौजूदगी में जवाब न दूं। हुजूर ने दोबारा पूछा, सहाबा खामोश रहे तो फरमाया मैं बताऊं या रसूल अल्लाह बताइए। तो महबूब फरमाने लगे वो खजूर का दरख्त है। नबी करीम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की तरफ मुड़ के देखा, फरमाया मेरे गुलामों वो दरख्त है खजूर का। अब्दुल्ला को जवाब आता था, इसे पता था कि वो खजूर का दरख्त है लेकिन तुम्हारे अदब की वजह से ये खामोश रहा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम जिनके इल्म पर मेरे नबी को इतना एतमाद है, कि हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और जनाब उमर फारूक जैसे लोग कहा करते थे कि अगर अली हमारे दरमियान मौजूद ना होते तो हम तो हलाक हो जाते। इनके मशवरे इनकी बातें हमें महफूज रखती हैं। हजरत अली फरमाते मैंने नबी पाक से एक सवाल पूछना था। ऐसा तो नहीं ना कि उन्हें बातें नहीं आती थी, उनके तो इल्म का ये हाल है कि हुजूर ने फरमाया मैं अगर शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है। तो फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक से सवाल पूछना था। सवाल 14 दिन मैंने इंतजार किया, हर रोज मैं मस्जिद में जाता, घंटों बैठता, पर 14 दिन इंतजार किया। क्यों? फरमाते मेरे दिल में ख्याल आता था कि कोई और आए वो वाला मसला पूछ ले तो मेरे वाली बात भी हल हो जाए, मुझे हुजूर से पूछना ना पड़े, कोई और पूछ ले ताकि मुझे ना पूछना पड़े। फरमाते 14वें दिन एक बद्दू आया, उसने आके नबी करीम अलैहिस्सलाम से सवाल वो पूछा जो मेरे दिल में था। फरमाते नबी करीम जवाब उसे दे रहे थे और मेरी तरफ देख देख के मुस्कुरा रहे थे।